गांधीनगर में जिसको आधे घंटे के बाद लेके जाएंगे, देखा जाए अगर पोकर पेमेंट ना पहले आए। 10-15 सालों में जमीनी हकीकत से दूर रखकर ये प्रयास किया गया कि लोग अपने धरातल की समस्याओं के बाद मैं आज आप सभी के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। पिछले पंचायत चुनाव में महज यहां से कुछ किलोमीटर दूर जिस प्रकार का टांडा हुआ था, जिस प्रकार ठीक थी, संविधान हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि आप लड़ाई लड़े तो जीतता है या सीखता, और आपने तो उस अधिकार का भी हनन किया। हम ऐसे लोग हैं जो आप सभी के बीच में आएंगे कि रामनगर के प्रमुख के चुनाव में जब महान जी के साथ बैठे हैं बुलडोजर देख के बड़ा खुश हो रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इस बार के चुनाव में इनके ये तमाम नकली मुद्दे फेल होंगे और जनता को हम लोग ये कह रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुनियादी मुद्दों पर वोट दीजिए। बुलडोजर के नाम पे, नफरत के नाम पे, शमशान बनाने के नाम पे जिन लोगों को वोट आपने दिया, उन्होंने गांव-गांव में शमशान बनाने का काम किया कोरोना की महामारी में, और ऐसी मनहूस पार्टी को इस बार जनता हराने का काम करेगी। इनका विधायक बीजेपी वाले देखिए गाली दे रहे हैं हिंदुओं को, कह रहे जो हिंदू वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद है, मुसलमान की औलाद है, तो जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य, जो कायस्थ, जो सवर्ण, जो दलित, जो पिछड़ा, जो वोट नहीं देगा बीजेपी को वो जयचंद की औलाद है, मुसलमान की औलाद है, इस प्रकार की भाषा और गाली देके ये लोग वोट लेंगे। तो मुझे लगता है लोग इस बात को समझ रहे हैं और पुष्कर आदित्य को इस क्षेत्र से सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। चुनाव वही जीतता है राजनीति में, रुदौली के अंदर चुनाव पुष्कर आदित्य सिंह की होगी, झाड़ू की होगी, आम आदमी पार्टी की, इसलिए कि इनको सभी जाति धर्म का वोट मिल रहा है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं 10 मार्च को भगवा में हो जाएगा, कोई कह रहा है लाल में हो जाएगा, आप क्या कह रहे हैं? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तरक्की और विकास में होना चाहिए और सभी रंग जरूरी हैं। हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है जो अलग अलग रंगों से बना है। हिंदुस्तान अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग संप्रदायों से बना है। विविधता में एकता हमारी विशेषता, हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले हम देश हैं। तो यहाँ तो विविधता भारत की पहचान है, हम तो इसी में जीते आए हैं हजारों साल से, उसको मिटाने की कौन कोशिश कर रहा है ये देखना होगा। पुष्कर जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो चांदी का कटोरा। अगर 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 ऐसा होता तो आप बताइए, 7 बार इनके परिवार को लोगों ने इस क्षेत्र से सेवा करने का मौका दिया, 7 बार, एक दो बार नहीं, 7 बार, और इन्होंने, इनके परिवार ने प्रयास करके, इनके दादाजी ने इस क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना करवाई, नवोदय की स्थापना कराई, विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं। तो कहने के लिए कोई कुछ भी आरोप लगाता रहे उसका कोई मतलब नहीं। लागू मैंने अभी अगर आप सुने तो आपने नहीं देखिए, ऐसा है परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है और एक हंग असेंबली की स्थिति पैदा होगी, उस समय में जो हमारी गारंटी है सबसे पहले वो टेबल पे हम लोग सामने रखेंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, इन मुद्दों को पूरा कीजिए, उसके आधार पर हम अपनी सरकार में हिस्सेदारी करेंगे।